हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखिए हम कहाँ हैं। व्यू देख के बहुत सारे लोग जो हैं वो पहचान गए होंगे जगह, पर बहुत से लोग हैं जो हिमाचल से नहीं है। तो उनको मैं बता देती हूँ कि हम आए हैं चामुंडा जी, चामुंडा माता का जो मंदिर है वहाँ पे। तो मंदिर के जो दर्शन है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद करवाती हूँ, क्योंकि अभी जो गेट है वो बंद थे, अभी स्नान चल रहा था तो इसलिए। और मैं दिखा देती हूँ आपको कि अगर आप कभी पहले आए होंगे तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि बिल्डिंग कुछ अलग तरीके की थी, लेकिन अब जो है बिल्डिंग कुछ अलग बन गई है। थोड़ा सा जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, अभी चल ही रहा है। और ये चामुंडा जी का जो इतिहास है वो है, तो आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। तो इसके बाद हम जा रहे थे जो शिव गुफा है वहाँ पे, जो शिव मंदिर है नीचे, मंदिर से नीचे की तरफ। बहुत से लोग मंदिर आते हैं और ऊपर से ही वापस चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि नीचे शिव मंदिर भी है। तो जैसे आप मंदिर से बाहर निकलते हैं माता रानी के दर्शन करके, वैसे ही नीचे सीढ़ियाँ उतर के ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर अभी भी काम चल ही रहा है, पिछली बार जब मैं आई थी तब भी चल ही रहा था, अभी भी चल ही रहा है। तो ये देखिए दर्शन। थोड़े से मैं आपको पंडित जी के जो मंत्र उच्चारण है वो भी सुना देती हूँ, तो आप उनको सुन लीजिए। तो शिव जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए यहाँ पे बाहर। यहाँ पे सामने की तरफ ये पानी बह रहा है, जिसमें लोग ज़्यादातर सामने की तरफ से जाके उतर जाते हैं, बट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियरली लिखा हुआ है कि पानी के अंदर ना जाए। यहाँ पे पानी का बहाव कभी भी बढ़ जाता है। और यहीं पे साइड में, राइट साइड में ही जो है वो शमशान घाटी बोलूँगी मैं, और क्या बोलते हैं, तो वहाँ पे दाह संस्कार चल रहा था। तो ये देख सकते हो आप, अभी जो है ये बुझा रहे थे, पानी फेंक रहे थे। और ये यहाँ पे जो मंदिर है मेन, वहाँ का मैं दिखा रही हूँ, थोड़े से ही दर्शन करवा पाऊँगी, ज़्यादा तो नहीं करवा पाऊँगी मैं। और यहाँ पे चामुंडा जी में जहाँ तक मैंने सुना है, अब मैं एग्जैक्ट श्योर तो नहीं हूँ, बट यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कभी भी जो है जो शमशान घाट में अगर कभी कोई दाह संस्कार नहीं होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो घास है वही जलाया जाता है, खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ऐसा है। अगर आप लोगों को उसकी नॉलेज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि उसके पीछे का क्या रीज़न है। और ये यहाँ से हम निकल रहे हैं अब बाहर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ या बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रह के कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और ये देख सकते हो आप, जो ये नई बिल्डिंग बन रही थी, मे भी बहुत से लोग आए होंगे जिस टाइम ये कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था मंदिर का, तो ये पूरा बन गया है। और यहाँ पर भी बन ही रहा है, जो ये कलश ऊपर है इसके ऊपर पर भी कुछ काम चल ही रहा है। तो ये देख सकते हो आप सामने की तरफ का, और ये देखो ये यहाँ से भी बहुत सारे यहाँ पे है जहाँ पे जो है वो दाह संस्कार होते हैं। तो ये साथ में, ये एकदम मंदिर है उसके साथ में नीचे की तरफ को है। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ, और बाहर का जो नज़ारा है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, जो मेन एंट्रेंस है यहाँ की वो कैसी हो गई अब, और आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी अब इतना कंजेस्टेड नहीं लगता है। पहले थोड़ा कंजेस्टेड रहता था और जैसे लोग आते थे तो भीड़ एकदम से बढ़ जाती थी, बट अभी ऐसा नहीं है, अभी काफ़ी खुला बन गया है यहाँ पे। मतलब काफ़ी जो ये बिल्डिंग है काफ़ी बड़ी सी बनी है, अभी भी काम चल ही रहा है। तो चामुंडा जी से किसी ने मुझसे पूछा था कि धर्मशाला से चामुंडा जी के लिए कितना टाइम लगता है, तो धर्मशाला से चामुंडा के लिए 20 से 25 मिनट अगर ट्रैफिक नहीं है तो, अदरवाइज़ आधा घंटा भी लग जाता है, उससे ज़्यादा भी लग जाता है अगर ट्रैफिक हो तो, क्योंकि इतना दूर नहीं है धर्मशाला से। धर्मशाला से पालमपुर वाला जो रोड है वहीं पर पड़ता है, आई थिंक 15 या 16 किलोमीटर इतना होगा। तो ये देखिए बाहर का मैं दिखा देती हूँ, और सामने जो धौलाधार है ना, इतनी सुंदर लग रही थी, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन बादलों ने जो है पहाड़ों को इस तरीके से ढका हुआ था कि वो क्लियरली जो है वो कैप्चर फ़ोन में नहीं हो पा रहे थे, सामने से मैं अच्छे से देख पा रही थी। तो ये देखिए इस तरफ से जो है वो व्यू कुछ इस तरीके का है, और मंदिर के लिए यहीं पर एंट्रेंस अब यहाँ से हो गई है। मे भी हो सकता है बाद में जब कभी ये मंदिर पूरा बन जाएगा तो सामने जो आप देख सकते हो एंट्रेंस वहीं से होगी, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं अभी क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस ऐसी नहीं लगी है, बट अभी जो है लोग इसी तरफ से जा रहे हैं और वहीं पे शूज़ वगैरह उतार के वहीं से आगे निकल जाते हैं डायरेक्ट मंदिर के लिए।
तो आई होप कि आपको भी दर्शन करके अच्छा लगा होगा। और देख सकते हो आप यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो सर्कल्स वगैरह बने हुए हैं वो मतलब सब पूरी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पे छोटी सी मार्केट भी है, छोटी सी वैसे ये काफ़ी बड़ी मार्केट होती थी पहले, बट अभी शॉप्स जो है वो उतनी ज़्यादा खुली नहीं है, थोड़ी बहुत जो है वो खुली है। यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह या छोटी मोटी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। तो बस इसके बाद हम वापस निकल रहे थे घर के लिए, और मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है चामुंडा जी, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। तो बस यहाँ पे ये आदित जो है कुछ टॉयज़ देख रहा था अपने लिए, बट इसने आई थिंक लिया कुछ छोटा मोटा ही था। तो हम लोग आ गए हैं वापस, वैसे काफ़ी पहले आ गए थे बट मैं अभी व्लॉग कर रही हूँ आने के बाद। एक्चुअली हम लोग गए थे थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। एक मिनट थोड़ी देर बात कर लूँ, मैं व्लॉग बना लूँ। एक्चुअली हम लोग गए थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, यहाँ पे एक महामाया करके ग्रॉसरी शॉपिंग का एक मॉल है दाड़ी में, वहाँ गए थे। फिर वहाँ से प्लान बना अचानक से कि चलो चलते हैं चामुंडा जी। तो हम लोग अकेले नहीं थे, हमारे साथ हमारे नेबर हैं जो बंगाली कपल है वो, तो उनके साथ हम लोग गए थे। और तो मंदिर वैसे भी मुझे आजकल बहुत कमेंट्स आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कि क्या हिमाचल में मंदिर खुल गए हैं। तो हाँ जी, हिमाचल में मंदिर जो है वो खुल गए हैं, और प्रॉपर जो है वो क्या बोलते हैं उसको, प्रिकॉशंस के साथ या जो गाइडेंस है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस उनके उनको ध्यान रखते हुए ही वैसे ही जो है मंदिर में जाने दिया जा रहा है। 10 साल से कम बच्चे को नहीं जाने दे रहे, 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग को नहीं जाने दे रहे मंदिर के अंदर। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले मैं और नीरज गए तो आदित को हमने उनके पास रखा जो हमारे साथ गए थे। फिर उसके बाद हम वापस आए तो फिर वो दर्शन के लिए गए, मंदिर के एकदम अंदर नहीं जाने दे रहे। एक मिनट, अभी रखेंगे बिट्टू, रुक जाओ, पापा को आने दो ना साथ में, तब रखेंगे, ठीक है। तो मंदिर में क्या बोल रही थी मैं, हाँ कि मंदिर के एकदम अंदर नहीं जाने देते हैं, जो एंट्रेंस वाला जो मंदिर का जो दरवाज़ा होता है, एंट्रेंस जो रहती है वहाँ पे जाने देते हैं, वहाँ से बाहर से ही दर्शन करने होते हैं। एकदम एग्जैक्ट अंदर जो है, जैसे पहले रहता था ना एकदम माता के दरबार में एकदम अंदर जाके आप लोग दर्शन करते थे, वैसा नहीं है बट सही भी है। ऐसे भगवान के जो दर्शन है ज़रूरी नहीं है कि एकदम आप टच कर करके ही करो, तो वो है। वैसे जो है वो गेट खुल गए हैं, मंदिर खुल गए हैं, सारे मंदिर ऑलमोस्ट जो है हिमाचल में जितने भी शक्तिपीठ है वो सारे खुल गए हैं। तो हम लोग तो गए थे चामुंडा जी। तो पहले मेरा ब्लॉग का कुछ ऐसे था नहीं, क्योंकि जब जाने का ही प्लान नहीं था कि जाना है, तो ब्लॉग का भी इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं ब्लॉग करूँगी, बट वैसे ही वहाँ पे ध्यान आ गया कि चलो मैं दर्शन करने आई हूँ तो आप लोगों को भी दर्शन करवा देती हूँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर वापस, और ये ग्रॉसरी हम शॉपिंग करके लाए थे वो यहाँ पे पड़ी है, इसको हम करेंगे सैनिटाइज। और हम क्या क्या लेके आए हैं ग्रॉसरी, अभी तो आपका कैप्टन अमेरिका वहाँ चला गया टेबल के नीचे, उसको निकालो, वो मैं आप देख सकते हो मेरे दूसरे चैनल पे हिमाचली लाइफस्टाइल पे, उसका जो लिंक है वो भी मैं दे दूँगी, जो दूसरा चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर कमेंट बॉक्स में टैग कर दूँगी। और ये देखो हम आदित के लिए क्या लेके आए, इधर आओ। अरे ऐसे, ये वैसे इसे छोटे साइज की भी थी बट हम इसी की लाए कि आगे आगे इसका सिर बड़ा भी तो होगा, है ना, जो छोटी थी वो कुछ ज्यादा ही छोटी थी। ये लेके आए और आदित लेके आए अपने लिए डमरू, दिखाओ अपना डमरू। सॉरी सॉरी, हाँ बस 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 ये डमरू लेके आए हैं, और एक ये कैप्टन अमेरिका लेके आया है, दिख गया। और मुझे ये चाहिए थी आरती संग्रह, तो मैं ये आरती संग्रह लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पहले आरती थी उसमें कुछ एक आरतियाँ जो वो उल्टी पुल्टी सी हैं, तो मैं ये लेके आई हूँ। और लेके आए हैं हम एक माता रानी की, ये लेके आए हैं, ये मुझे ऐसे ही अच्छी लगी वहाँ पे तो मैंने ले ली, ऐसे मेरा कुछ मन नहीं था लेने का बट कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं ना एकदम से
दिल कर जाता है लेने का कि ले लेते हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि इतनी बड़ी मैं नहीं लूँगी, पर मंदिर मेरा मतलब इसी हिसाब से काफ़ी बड़ा है, पर पहले मैंने सोचा कि इतनी बड़ी नहीं लूँगी। पर मैंने सबसे पहले यही देखी तो मुझे सबसे पहले यही अच्छी लगी। फिर उसके बाद मैंने उनको और भी पूछा कि थोड़े छोटे साइज़ की दिखाओ, इन्होंने दिखाई भी, बट फिर कुछ चीज़ ऐसे होते हैं ना जो एकदम से आपको अच्छी लग जाती है, तो यही मुझे शुरू में अच्छी लगी तो मैं यही ख़रीद के ले आई। ठीक है, मैं लेके आई हूँ, बस यहाँ पर रख दो आप। ठीक है, बाकी जो ग्रॉसरी, और हाँ एक मैं मंदिर के लिए ये लेके आई हूँ, मंदिर में बिछाने के लिए कपड़ा मंदिर का। ये देखो ये कितना सुंदर है ना, इसमें स्वास्तिक बना है, पूरे में इसमें स्वास्तिक ही बने हुए हैं। ये देखो बीच में ऐसा डिज़ाइन है, तो ये मैं लेके आई हूँ, एक ही लेके आई हूँ स्वास्तिक डिज़ाइन, क्योंकि अभी नवरात्र आने वाले हैं ना, तो फिर उस टाइम पे ऐसा होता है कि कपड़े बार बार जो है ये मंदिर वाला जो कपड़ा बार बार चेंज करना होता है, तो इसलिए ये लेके आई हूँ मैं। और मैंने सोचा था कि और कलर के लूँगी, जैसे येलो कलर का हो गया वो लूँगी, बट एक ही कलर था और यही डिज़ाइन था, उनके पास कुछ अलग नहीं था, तो इसलिए मैंने सेम जो है वो दोनों लिए, एक ही लिया। और अब देखते हैं कि खाने में बनेगा क्या, क्योंकि 6:30 हो गए हैं और खाने का अभी तक कुछ प्लान हमारा नहीं है कि क्या बनने वाला है खाने में, तो देखते हैं। अभी किचन मेरा पूरा अभी ऐसे ही, मतलब वैसे तो क्लीन है पर सामान इधर उधर पड़ा है सारा। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, देखते हैं खाने में क्या बनता है। नीरज गए हैं दूध लाने के लिए, तो वो भी एक काम है, शाम को वो भी जाना पड़ता है। और मुझे लगाने हैं इस रूम के पर्दे, क्योंकि कल मेरे से ये पाइप निकल गई थी, तो अब मैं लगाऊंगी इसको। और ये देखो बेड की लुक एकदम मैंने चेंज कर दी है, और कुछ और दिखाती हूँ आपको, वो आप देखना पसंद नहीं करोगे, बट चलो दिखा देती हूँ। ये देखो इस रूम के ये हाल, ये बॉक्स खाली किया था, ये सारी रजाई ब्लैंकेट जो भी है हमारे सारे जो है मैंने वो आज धूप में सुखाए हैं, तो मैं सोचूँ कि कल आराम से संडे को इसको जो है फिर से एक बार धूप में डाल दूंगी और बेड में पैक करके रख दूंगी। एक रज़ाई जो हमें चाहिए वो निकाल दूंगी। और बाहर से टिड्डों की आवाज़ सुनाई दे रही है, एकदम यहाँ पे खिड़की के पास पेड़ है, तो उसमें चाहिए ऐसे टर 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 ये आवाज़ सुनाई देती रहती है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, बहुत बातें हो गई। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना, दिखाओ शक्ल, क्या बोला पापा ने? पापा ने बोला भी बाहरी रुको इसी का ही होता है। हमारे घर में रिकॉर्ड है कि जब कोई टॉयलेट जाता है आदु को उसी टाइम पे सुसु आती है, उसी टाइम पे पोटी आती है। अभी नीरज गए बेचारे बड़ी फुर्सत निकाल के अंदर बैठने के लिए, हैं कौंडल जी हो गए हल्के तो इधर काम भारी हो रहा है बाहर आदू बेचारा कैसे सहमा हुआ था कड़े घर में दो टॉयलेट होने चाहिए, तो यही है। तो चलो मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी से। आज हम बना रहे हैं आलू बढ़िया, सेपू बढ़िया, जो सेपू बढ़िया होती है वो बनाएंगे। हैं सेपू बढ़िया, हम बनाएंगे, हाँ सेपू बढ़िया, जो कि हम आज ही लेके आए हैं। वैसे बहुत से लोग इसको सेपू बढ़िया बोलते हैं, वैसे मुकंद बढ़िया होती है। अब मुझे नहीं पता कि सेपू बढ़ियों में और मुकंद बढ़ियों में क्या डिफरेंस होता है, बट ये मुकंद बढ़िया है, तो मैं ये बना लेती हूँ। और ये जो व्लॉग है यह हो जाएगा बहुत ही बड़ा, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ऐसे वाला नहीं ऐसे कुछ होगा वो कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सब लोग अपना ध्यान रखना। इस परफेक्ट टाइमिंग के लिए क्या कहना चाहोगे है, कैसा प्रतीत हो? देखो बात ऐसी है कि सकल भैया के हमारे ऊपर है, हाँ। पर आचरण आपकी तरह है।
अच्छा मैंने तो कभी तुम्हें ऐसे डिस्टर्ब नहीं किया। आचरण एकदम अपनी माता पे गया। अच्छा हाँ, मतलब जब आदमी मतलब एकदम टेंशन फ्री होके मतलब आनंद लेने लगता है अभी उंगली कर दो उसको। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा हाँ। बहुत ही आई तुम कपड़े अंदर गाने गा रहे पता नहीं। हाँ तो क्या गा रहे हो आप क्या कह रहे हो आदू?